सवैया निकालना शुरू कर, उधर पड़ी नहीं है। मैं तो हो रही थी बर्तन, मैं चलो तरना दुआ सलाम कर लिया। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी सब ठीक ठाक होंगे। बर्तन शर्तन धो के अभी खड़ी हुई, अला की ड्यूटी थी, नहीं थी, मैं चल मैं दे दें दी, कोई गल नहीं, खैर अम्मा हाजिर है। बनाने लगी थी नाश्ता, मैं चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ आज का नाश्ता। नाश्ते मैं बना रही हूँ चाय सवैया, आसान सा जल्दी से बनने वाला नाश्ता और मज़ेदार, माना बड़ा ही सस्ता तो आसान तो मज़ेदार जहाँ नाश्ता बनाते हैं तो इंजॉय करते। नाश्ता बनाना शुरू कर गई, शुरू उठ गई है, मैं कि तुम करो घर की डस्टिंग तो मैं बना दी नाश्ता। आग जला के मैंने रख लिया है दूध, अभी इधर रख दूंगी मैं, कहवा फटाफट ना बन जाएगा, कोई खास टाइम नहीं लगना, फटाफट बन जाना। तो ये आप पांच बनावे तो कहवे में आप कुछ नहीं बना, जस्ट पत्ती पा के आप उबाल आएगा, पत्ती पानी तो रख लेना। दो जाने बहुत नहीं शुरू इन्ना हाँ असं रखन लगे जी, दो कप का कहवा रखा तो तकरीबन तकरीबन एक किलो तो थोड़ा जहा घट सकता दूध है चाय सेने वास्ते। ठीक है तो हूँ असं दूध च पा देंगे एक अद्धा इलायची, ठीक है, नाल ये चली जाएगी चीनी, आ चीनी जाएगी, मेरा तो अंदाजा वाए टक्कन मेरी चीनी के डब्बे का, मैं तो उस हिसाब से पा दूंगी। ठीक है बाद चे चेक कर लेंगे, अगर थोड़ी बहुत घट हुई जो तुम्हें घट पसंद तो घट पा लो, तुम्हें शक्कर पसंद है शक्कर पा लिया, कोई पाबंदी नहीं है जी। ये अपना दूध हम उबालते है फिर ये पा देंगे सवैया, पानी उबाल जाएगा तो आप पा देंगे पत्ती। शरूक ने भी सुबह सुबह गर्म पानी पीना शुरू कर दिता वा, वरना ये बिल्कुल नहीं पीती थी, यदि मम्मा कहवा बाद च रखे पहले पहले मैं पानी गर्म कर लेंगे, मैं फटाफट वाला कर ला दूँ गर्म। ये बिल्कुल इन चीज़ों की तरफ कम ही आती है, एक्सरसाइज हो गया, कोई सुबह के टाइम कहवा पीना, कोई पानी पीना, ये भागती है बल्कि बहुत अगे गिला के दौड़ती है साढ़े कि मैं नहीं पीना। सवैया निकालना शुरू कर, उधर पड़ी नहीं सवैया, नेशनल डे सवैया करिए, उसको अच्छी तरह से ऐसे ऐसे करते हैं ना, ज़्यादा कि चूहा कट देना एकदम फकत खाई कर लो। ठीक है सारियाँ नहीं आप पानी फिर छोटी छोटी कर लेंगे, दूध आ गया उबाल, ठीक है अग हल्की करांगे, ये हम आप पा देंगे सवैया, मैं सारा करके ना दूध के हिसाब से दो मुट्ठी च पाती हूँ, पूड़ियों बस बचाती हूँ। हूँ आप पा देंगे तेल घ्यो, देसी घी तो बेस्ट है इस नाश्ते, देसी घी मैं तुम दस्या उस दिन सा दूध का बहुत मसला है, पतला है पतंगा वर्ग दूध आ रहा, तो उत्थे बिल्कुल मलाई नहीं आ रही, तो देसी घी सा बन दी है, इसलिए मजबूरन असं अज ये पावे कुकिंग ऑयल या डालडा घी है तो डालडा घी पा लो। ठीक है पा लो, देसी घो है तो फिर दो चम्मच पा लो, ठीक है इनू हम आप पकन वास्ते रख देना हल्की अग पर, यह हम पकना शुरू हो जाए। ठीक है इधर पानी नू उबाल आ रहा, जैसे उबाल आता आप इसमें हम डाल देंगे डेढ़ चम्मच, एक चम्मच और थोड़ा सा चम्मच बस पत्ती, यानी कि तुसी अपने हिसाब नाल कहवा बना लो, अगर तुम तेज़ पत्ती वाली पसंद तेज़ खा लो, मगर ये ना ज़्यादा पत्ती अच्छी नहीं लगती, मीडियम जी पत्ती होनी चाहिए फिर मज़ेदार लगती है। सवैया पकनिया शुरू हो गई, उन्नी देर चपना इधर इधर पानी भी पक गया, ठीक है उन्हें पच पा देंगे पत्ती। जब आप कहवा बनाए ना कहवे को दम पे रखा करें थोड़ी देर के लिए, इससे कलर बड़ा खूबसूरत आता है, एक चम्मच यानी कि जो कहवा बनाना पत्ती का जो टेस्ट या कलर निकालना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग निकालियो, पानी पा के ठीक है इन हम आप दम लगा देंगे एक डेढ़ मिनट वास्ते।
बंद हो गया। इधर अपनी सेवइयां सेवइयां निकाल लिए, देखिए बंद हो गई, नमक चेक कर लिए, चीनी सही, कहवा तैयार, हवा अपना होना पच कहवा पाऊंगी, बीच में कहवा पाता ठीक है। एवं पतलियाँ पतलियाँ सवैया, वैसे सर्दियों कुछ होर बनाना दिल तो चाय सवैया बना के खाओ, ये जो नाश्ता सुकून देता। बचपन से ही बहुत ज़्यादा अम्मी ने बहुत खिलाया और मैं बचपन में चाय की शौकीन भी बड़ी थी, तो मेरी दादी अम्मा मैंने बहुत बहुत चाय पिला देते दे, मेरी बचनी चाय कहना शादी आके चाय पी लिया, मैं अच्छा दादी हाजिर। लो जी कितनी जल्दी बन गया, कितना मिनट लगे देखो, तो खास टाइम नहीं लगे, गप्पा च ही अपना नाश्ता पूरा हो गया देखो ठीक है। बाकी सवैया थोड़ी जगह पतलियां करना चाहो तो पतलियां यानी कि कहवा थोड़ा जहा होर पाओ, तो दूध गाढ़ा चाहिए, हाँ अगर तुम मलाई पसंद है तो एंड तुम उपर उपर मलाई भी पाओ, मैं मलाई भी पाऊंगी ताकि थोड़ी जी मजेदार गाढ़ी हो जाए। मजा हूँ आप इतने पाओगे थोड़ा जहा च नमक, ज़्यादा नहीं, अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा कर लिया। ठंडी करके मुँह में डालते हैं, दौर मज़ेदार मज़ेदार खुशबू बड़ी अच्छी लग रही थी। नमक में थोड़ा सा और डालूंगी क्योंकि ये थोड़ी सी करारी करारी अच्छी लगती है, थोड़ा सा नमक कम है मुझे चाय सवैयों में ना, थोड़ा सा वो करारापन जो होता है ना नमक और चीनी से मिलके जो बनता है, हाँ हाँ क्या जिनके घरों में ये बनती है ना, जिन पंजाबी लोगों के घरों में ये चाय सवैयाँ बनती हैं वो इनके स्वाद से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे। अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच मलाई, दूध में मलाई जाती है एंड पे डालें जब आपकी सवैयाँ, एक चम्मच इसमें जाएगा मलाई, अब इसको आप मिक्स कर लें। नाश्ते के लिए तैयार है जनाब, मज़ेदार सी चाय सवैयाँ, आप लोग भी बनाएं और ज़रूर इस नाश्ते को एंजॉय करें। हमारा नाश्ता जा रहा बाहर टेबल पर, मैं और शुरू के एंजॉय करते हैं हमारा ये नाश्ता, और जो आपको पसंद है वो आप बनाएं, लेकिन आप हमारा भी ये नाश्ता ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। इस खाने का एडवांटेज है आपके हाथ बहुत गर्म रहते हैं, हाँ सर्दियों में ये तो है, और इसका एक और भी है अब्बू जान को जब नज़ला ज़ुकाम होता था ना, शौकत मैं ज़रा सवैयाँ से बना दूँ सुकून बड़ा मिलता मान से वैसे, हाँ शुरू सही कह रही है। लो जी तेन उपर शक्ल भी ऐसी अच्छी जी हसीन जी विखा देंगे हैं, मलाई हमने डाली तो इसमें मिक्स हो गई है, बस मिस कर रहे हैं हम शुरू को अपनी हदील को और अला को, वो दोनों नहीं और हम दोनों ही घर पे हैं ठीक है, हाँ असी दोनों फारग लोग, असी बिल्कुल ही फारग लोग हाँ, असी करते हैं जी चाय सेवियां दा नाश्ता ते एदे नाल ही इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, आपकी यहाँ नवाजिश होगी। कैसी बनी, मज़े गया ना, क्रीमी क्रीमी।